गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोग पूरे टेबल में किस तरीके से बैकग्राउंड कलर फिल कर सकते हैं बीजी कलर के थ्रू। तो बीजी कलर के थ्रू आप एक पर्टिकुलर सेल में भी कलर फिल कर सकते हैं या फिर एक रॉ में, एक पूरे रॉ में भी कलर फिल कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको रॉ दिखाता हूँ, फिर मैं आपको एक पर्टिकुलर सेल में दिखाऊंगा, ठीक है। अभी हमारे पास जो टेबल है वो कुछ इस तरीके से, जिसमें कि कोई भी कलर नहीं है, पूरा वाइट है। ओके, सबसे पहले मैं इस रॉ में, ये जो राहुल और ये जो पूरा रॉ आपको दिखाई दे रहा है, इस रॉ में कलर फिल करके आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हमें उस रॉ के ओपनिंग टैग में जाना पड़ेगा और यहाँ आप लिखेंगे बीजी कलर इक्वल, यहाँ आप कलर देंगे ग्रे, ग्रे ठीक है, ग्रे आई डोंट नो, ग्रे ठीक है शायद। ओके, उसके बाद इसको सेव करते हैं आप, और इसको जब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये एक रॉ में कलर सेट होकर आपको दिखेगा, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर सेल में हम लोग अगर कलर डालना चाहते हैं तो कैसे डालेंगे, जैसे कि मैं डालना चाहता हूँ इसे सुमित कुमार वर्मा पर एक कलर, सिर्फ इसी सेल पर, पूरे रो पर नहीं, सिर्फ इसी सेल पर। तो वह कैसे हुआ देखिए, उसके लिए हम लोग जाएंगे सुमित कुमार वर्मा कहाँ है, सुमित कुमार वर्मा यहाँ है, और इसके टीडी, टीडी में जो यहाँ है इसे यहाँ बीजी एट्रीब्यूट हम लोग लगाएंगे, बीजी कलर इक्वल, और यहाँ हम लोग कलर लगाते हैं रेड, रेड अच्छा नहीं दिखेगा, रेड काफ़ी ओके, पिंक लगाते हैं ओके, इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ देख पाएंगे कि ये जो सुमित कुमार वर्मा है इसमें पिंक कलर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप एक पूरे रॉ को कलर फिल कर सकते हैं या फिर एक पर्टिकुलर सेल में भी कलर फिल कर सकते हैं बीजी कलर के थ्रू। बीजी कलर का बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। जैसे कि बीजी कलर के बारे में मैं आपको एक अलग से ट्यूटोरियल दे दूँगा, ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। फिलहाल के लिए बीजी कलर के थ्रू हम लोग टेबल में जो चीज़ें कर सकते हैं वो हम लोगों ने अभी देखा। बीजी कलर के थ्रू हम लोग पूरे टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर रॉक, पूरे रॉक का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर सेल का भी कलर चेंज कर सकते हैं यूजिंग बीजी कलर। जहाँ पर बीजी कलर का यूज़ कीजिएगा वहाँ का वो कलर चेंज कर देगा, चाहे वह एक सेल हो या फिर एक पूरा रॉ हो या फिर एक पूरा टेबल हो, ठीक है। आप अगर हेडिंग में देना चाहते हैं तो आप हेडिंग के लिए आपको यहाँ बीजी कलर यूज़ करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसको, बीजी कलर ये हेडिंग के लिए, ठीक है। बीजी कलर इक्वल, यहाँ हम लोग सेट कर रहे हैं क्या, रेड, रेड रेड सेट करते हैं इस बार, ओके रेड सेट कर दिया मैंने नेम में। इसको सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ओके यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये रेड कलर का आ गया, ओके। सो इस तरीके से आप कलर सेट कर सकते हैं अपने टेबल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।